जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सितंबर के महीने में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो कि केतु का है। राहु और केतु दोनों हमेशा एक साथ राशि परिवर्तित करते हैं और दोनों हमेशा ही वक्री चाल चलते हैं, यानी कि उल्टी चाल चलते हैं। केतु को पापी ग्रह माना जाता है, राक्षस ग्रह माना जाता है और छाया ग्रह माना जाता है। केतु 23 सितंबर को, यानी इस महीने की 23 तारीख को राशि परिवर्तित करने वाले हैं और लगभग 18 महीने बाद ये परिवर्तन होगा और अगले 18 महीने तक केतु वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं। अभी तक केतु धनु राशि में चल रहे थे, जो कि केतु की उच्च की राशि थी, और अब उल्टी चाल चलते हुए 23 सितंबर को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जो मंगल की राशि है। और देखिए, केतु को जो है मंगल का छाया ग्रह माना जाता है। कहा जाता है अगर केतु बिगड़ जाए, राहु और केतु बिगड़ जाए, तो ज़िंदगी को नरक बना देते हैं, वरना ये अच्छे पर आए तो गरीब को राजा बना देते हैं। ये जो राशि परिवर्तन होगा, ये बहुत से परिवर्तन लेकर आएगा जीवन में, क्योंकि जब कोई ऐसा ग्रह राशि परिवर्तित करता है तो उसके कई तरह से परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि की, कि कन्या राशि के लोगों के लिए केतु का जो ये परिवर्तन होगा अगले 18 महीनों तक किस तरह के प्रभाव डालेगा, कैसे शुभ प्रभाव होंगे, किन चीज़ों से सावधानी रखनी है और उपाय क्या करने हैं आपको। केतु जो है वो मोक्ष, अध्यात्म, वैराग्य के कारक ग्रह हैं, रहस्यमय ग्रह हैं। किसी भी राशि का स्वामित्व इनको प्राप्त नहीं है। ये अगर व्यक्ति पर खुश हो तो उसको कल्पनाशील बना देता है, उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है, और अशुभ होने पर इंसान का काफ़ी बुरा कर देता है। देखिए, जब ये कल्पना शक्ति को बढ़ाता है तो ये व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो अपनी कल्पनाओं को किस तरह हकीकत में बदल सकता है, वरना व्यक्ति कल्पनाशील ही होकर रह जाता है। ऐसे में कन्या राशि के लोगों के लिए ये जो केतु का गोचर होगा, ये किस तरह के प्रभाव डालेगा, चलिए जानते हैं। तो कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं और कन्या राशि के लिए ये गोचर तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में ये गोचर आपके लिए कई मायनों में बहुत अच्छा होगा और कुछ चीज़ों में आपके काम भी बिगड़ेगा। एक तो अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। देखिए, जब ये आप इसके उपाय करते हैं केतु के, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो वो आपके लिए बहुत हितकर साबित होते हैं। इनके उपाय बहुत हद तक ये आपके जो अशुभ प्रभाव हैं उनको कम कर देते हैं। तीसरे भाव में ये गोचर आपके पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो ये आपके एक तो पराक्रम को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। केतु का ये परिवर्तन आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराएगा, यानी तीसरा भाव होता ही एक तो ऊर्जा का है और यहाँ ये केतु बैठ गया है, तो ये उस ऊर्जा को महत्व देगा और बैठकर आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, तो काफ़ी एनर्जेटिक आप रहेंगे। लेकिन जब ये आप बहुत अधिक एनर्जेटिक रहेंगे तो आपके अंदर गुस्सा भी उतना ही अधिक होगा, तो एक तो इस गुस्से से आपको अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर निकालने से बचना है। हो सकता है छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आए तो उनके ऊपर आपको नहीं निकालना है, इस स्थिति को आपको संभालना है। इसके अलावा आपकी आय को बढ़ाने वाला साबित होगा। आप इस दौरान जो प्रयास करेंगे धन कमाने के मामले में, कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, उससे आपके प्रयास सफल होंगे और आपकी इनकम निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। इसके अलावा धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और ऐसे धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेकर आपके मन को काफ़ी खुशी मिलेगी। इस समय आप अपनी किसी वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी काफ़ी दिनों से अगर करना चाहते हैं, उसकी खरीदारी आप कर पाएंगे, यानी केतु आपको वाहन का सुख दिलाएगा, प्रॉपर्टी का सुख दिलाएगा। लेकिन आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, तो मुहूर्त सही से निकलवाएं, सही मुहूर्त निकालकर हिसाब से आपको खरीदना है। इस दौरान लोन आदि भी आपको लेना पड़ सकता है और लोन आदि लेकर ही आप इन सभी कार्यों को पूरा कर पाएंगे, तो उसके लिए कागजातों को पहले से तैयार रखें ताकि बाद में किसी ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जिससे आपको परेशानी हो। कुछ कामों में आपके रुकावटें भी आ सकती हैं, कार्य क्षेत्र में बनते हुए काम आपके बिगड़ सकते हैं, उनसे घबराना नहीं है, ऐसी स्थितियों से आपको बड़ी ही सावधानी से निकलना है। कार्य क्षेत्र में अगर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको ज़रूर केतु के उपाय करने हैं।
देखिए केतु का जो प्रभाव है, केतु ऐसा ग्रह है कि उसका प्रभाव आपको 40-45 उम्र के बाद होना शुरू होता है। जीवन के 45 वर्ष बीतने के बाद ये एहसास होता है कि आपके ऊपर केतु का, राहु का प्रभाव है। क्योंकि जब जीवन में आप बहुत असफलता देख चुके होते हैं तब आपको इस बात का अनुभव होता है। ये एक केतु का एक सच्चाई है कि आपका केतु और राहु आपके खराब हैं, इसलिए जीवन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, कामों में अच्छा नहीं आपको रिजल्ट मिल पाया। इसीलिए अभी से इन चीज़ों को आपको देख कर चलना है। अगर कामों में रुकावटें आ रही हैं, बात बात पर गुस्सा होना होते हैं और कल्पनाएं ज़्यादा होती हैं, हकीकतें हकीकत में बदल नहीं पाते हैं उन कल्पनाओं को, तो राहु के उपाय ज़रूर करें। और राहु के उपाय आपको क्या करने हैं ये भी हम बताएंगे। लेकिन विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा समय? तो देखिए विद्यार्थियों के लिए जो समय है वो कई तरह से परिवर्तित होगा। आप काफ़ी जोश में होंगे, एनर्जी आपके अंदर भरपूर होगी, लेकिन उस एनर्जी को आपको बस सही दिशा में लगाना है। जैसा कि कहा, कल्पनाएं बहुत होंगी, इतना ऊपर जाना है, ये करना है, वहाँ नौकरी करनी है, ये बिजनेस शुरू करना है, ऐसा कर लेंगे, इतना पैसा आएगा, तो ऐसी कल्पनाएं बहुत होंगी, लेकिन उनको हकीकत में बदलना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हकीकत में रहकर चलें, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें और विद्यार्थियों को अपने जो पढ़ाई है उस पर ज़्यादा फोकस भी इस समय करना होगा। प्रेम संबंध में समय अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर बीच में कुछ कहा सुनी हो सकती है, तो उनके साथ थोड़ा संयम से आपको पेश आना है। देखिए जब भी ये जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और 18 महीने तक एक ही भाव में रहेंगे यानी कि वृश्चिक राशि में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे 1.5 साल तक इसके जो प्रभाव हैं वो एक जैसे रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह दूसरे ग्रह के साथ युति करता है तो उसके प्रभाव परिवर्तित होते हैं। यानी केतु जब सूर्य के साथ युति करेगा, बुध के साथ युति करेगा, मंगल के साथ युति करेगा, चंद्र के साथ युति करेगा, दूसरे ग्रहों के साथ जब भी केतु की युति होगी तो उसके प्रभाव जो है वो परिवर्तित होते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर आपके अंदर गुस्सा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट करती रहेंगी। बाकी स्थितियाँ ये परिवर्तित होती रहेंगी समय समय पर, और वो किस तरह से परिवर्तित होती रहेंगी ये हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन अभी जो समय है इसके लिए आपको एक तो खुद पर संयम रखना होगा और अपने कामों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। एनर्जेटिक आप रहेंगे लेकिन एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। गुस्सा भी अधिक रहेगा, गुस्से को केतु बढ़ाएंगे, तो उस गुस्से पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। केतु के अगर उपाय की हम बात करें तो देखिए केतु के से जुड़े हुए कुछ दान भी होते हैं। केतु से जुड़े हुए जो दान होते हैं वो बुधवार के दिन करने पड़ते हैं। जैसे तिल के तेल का दान करना, तिल का दान करना, काला कंबल दान करना, काला वस्त्र दान करना या 7 प्रकार के अन्न दान करना। इसके अलावा केतु का एक जो बहुत बड़ा उपाय है वो है गणेश जी की पूजा करना। गणेश जी की पूजा अर्चना अगर आप करनी शुरू करें तो केतु आपका मजबूत होगा, केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इसीलिए आप इनके उपाय जो हैं वो समय समय पर करते रहें। लेकिन ये देखिए राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये लाभदायक रहेगा, विदेश जाने का मौका आपको दे सकते हैं। अभी स्थितियाँ हालांकि अच्छी नहीं है, लेकिन स्थितियाँ जैसे ही बदलेंगी और आप विदेश जाने के लिए अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप जा पाएंगे। तो आप बस थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य से काम करते रहें, धन का लाभ आपको ज़रूर होगा और उपाय ज़रूर करें। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।